तो सामने ये रेस्टोरेंट है वो जो ऊपर हट बनी हुई, जहाँ पे हम लोग अभी थे ऊपर से, हम लोग वहाँ से वीडियो ले रहे थे और ऊपर वो माउंटेन है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से चलने का रास्ता है पूरा, ये पहाड़ आप चले जाइए, इधर पूरा एरिया आप कवर कर लीजिए। और हम लोग आए हैं ये बटरफ्लाई सेंचुरी में, लुक एट दिस। हाँ तो भैया क्या हाल है, सब लोग कैसे हैं, ठीक ठाक? तो चलिए भाई, वेलकम है आपका खुशाम टी एपिसोड 3 में, जहाँ आज हम लोग जा रहे हैं राइस टेरेस देखने के लिए बाली, और फिर वहाँ से अगले दिन की जर्नी बटरफ्लाई पार्क और फिर आगे कुटाक। तो ये सब हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि वीडियो के एंड में होगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक गिव अवे है, मैं आप लोगों को ये करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों आई होप कि ये व्यू आप लोगों को बहुत शानदार लगा होगा, मेरा तो मज़ा आ गया यहाँ पे। आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर गुड ट्रिप्स लाइक दीज, लुक एट दोज माउंटेन्स। और इनमें से एक है, आई डोंट नो, जो मेरे ड्राइवर उन्होंने भी कंफर्म नहीं किया, बट इसमें से एक है जिसमें एक्टिव वोल्केनो है। रियली नाइस वेदर। और ये राइस फील्ड्स हैं सब सामने, ये देखिए चावल बोया हुआ है पूरा। और यहाँ का टिकट सेम वही 50,000 IDR, दैट्स इंडोनेशियन रुपी। अभी और भी आपको यहाँ से नज़ारे दिलाएंगे। और एक ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, वॉशरूम भी फैसिलिटी है, और खाना वगैरह इतना महंगा कुछ नहीं, सब कुछ मिल जाता है, इंडियन भी है और कॉन्टिनेंटल भी है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से चलने का रास्ता है पूरा, ये पहाड़ आप चले जाइए, इधर पूरा एरिया आप कवर कर लीजिए। थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है तो हम लोग वेट कर रहे हैं, अगर बारिश रुक जाएगी तो विल डेफिनेटली गो देयर टेक पिक्चर्स। और नीचे ये पार्किंग भी रखी है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाती है, नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है और ऊपर ये रेस्टोरेंट है। तो ये देखिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर मैं लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम द राइस फील्ड। नाइस, हल्की बारिश हो गई है तो मैंने कहा आप लोगों को जगह दिखा देते हैं और हम भी देख लेते हैं। या नाइस, इधर से ये देखिए ये सब जो है ये वो बोया हुआ है चावल। रियली नाइस, रियली वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस। और कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और बस ये कि रास्ता थोड़ा, बिकॉज पहाड़ों के ऊपर है ना, हम लोग उधर से आए हैं, वो पूरा रास्ता उधर से पूरे पहाड़ के ऊपर। और ये बीच में देखिए ये उन्होंने बना के दिया है रास्ता। हाँ, सो इसी तरह से पूरा है ये, पूरे में घास फूस धान यही सब बोया हुआ है। और यहाँ से ये देखिए फ्रेश स्ट्रीम जा रही है पानी की, पूरे खेतों में सप्लाई। और ये देखिए सूरज डूब रहा है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, पूरे में टिपिर टिपिर हो जा रही है। और ये जाते जाते ये देख लीजिए कि ये जो सामने ये रेस्टोरेंट है वो जो ऊपर हट बनी हुई, जहाँ पे हम लोग अभी थे ऊपर से, हम लोग वहाँ से वीडियो ले रहे थे, और ऊपर वो माउंटेन है। और प्राइस की बात करें तो रेस्टोरेंट में हमने खाया तो पिज़्ज़ा, एक कैपेचिनो और लाइम, फ्रेश लाइम जूस, तो ये हमको पड़ा अराउंड 184 का, तो दो समझ लीजिए टिप विप मिला करके। तो प्राइस वाइज कोई इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स वेरी चीप। तो ये था वीडियो आज के टूर का एंड। और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे बाली के दूसरे एंड पे जिसका नाम है कुटा, तो हमारा स्टे वहाँ पर है 3 दिन के लिए। तो फिर अब कुटा में आपको बीच और वहाँ से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ और वो सब दिखाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग चेकआउट करके हम लोग जब निकले तो हमारे ड्राइवर साहब ने कहा कि पास ही में एक बटरफ्लाई पार्क है, तो चलिए आपको वो घुमा देते हैं और वहीं से आप सीधे कुटा के लिए चले जाइएगा। तो हमारे पास टाइम ही टाइम था, सुबह हम वो दिल्ली चेकआउट कर गए थे कि वो चलो ये बटरफ्लाई गार्डन भी देख लेते हैं। Coming.
वाओ कम तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं बटरफ्लाई पार्क देखने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है जहाँ बटरफ्लाईज है, तो अंदर देखते हैं अभी चल के कैसा है। अभी तो बाहर इन्होंने छोटे ऐसे जानवर वगैरह रख सकते हैं। टिकट कॉस्ट सेम 1 लाख IDR पर पर्सन, और बच्चों की भी यहाँ पे चार्ज है, बच्चा फ्री नहीं है, बच्चों के 50,000। ठीक है तो चलिए सेंचुरी देखते हैं यहाँ पे बर्ड्स और इसकी बटरफ्लाई की। अंदर है ना, नाउ वी विल सी द बर्ड्स। Look at this, look, beautiful, look, please have a look on our face. The parrot, और ये बाली की मशहूर बर्ड झलक बाली, झलक दिखला जा। नाउ वी आर इन दी बटरफ्लाई स्टेशन। ये पूरा कवर्ड है, ऊपर आप देख लीजिए, और यहाँ से बटरफ्लाई उड़ रही हैं, कलरफुल डिफरेंट टाइप्स, फेरी टेल, वेरी नाइस, वाओ, लुक 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 लुक, नाइस, यू नो, यू लाइक इट, different type of butterflies. तो दोस्तों temperature काफ़ी ज़्यादा है दिन के बजाय एक, और हम लोग आए हैं ये butterfly sanctuary में। Look at this. तरह तरह की रंग बिरंगी तितलियाँ आस पास उड़ती हुई। This one wants to sit on me, I think. और यहाँ पर मम्मी फाइट किया हुआ है बटरफ्लाइज को, डिफरेंट काइंड्स, दो सम ऑफ देम आर रियली मैसिव। दीज आर ऑल रियल बटरफ्लाइज। अंदर बहुत सारी है। तो दोस्तों तितलियों की बात हो रही थी, तो मुझे बचपन का वो सीन याद आ गया जो मुझे क्लास सेकेंड या थर्ड में मुझे टीचर ने पढ़ाया था अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तो मैंने कहा कि वो आपसे भी क्यों ना शेयर कर दूँ, और फिर ये मुझे लाइव देखने को मिला, तो ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा। तो पहले वो एग होता है, फिर वो कैटरपिलर होता है, और फिर वो पीपा, और फिर वो अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। तो ये सब मुझे लाइट देखने को मिला और मज़ा आ गया। और ये इस तरह से ये हैचिंग हो रही है, तो यहाँ पर एक मैसिवली बड़ा, इतना बड़ा मैंने शायद मौत कभी नहीं हुई, अमेजिंग। यहाँ पे अगर आप, और यहाँ पे अगर आप स्विमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसका चार्ज अलग है, और ये वाटर पार्क का एक पैनल बना है, ये एंट्रेंस है, इसका चार्ज अलग से लगता है, 1 लाख के करीब, सेम अमाउंट। सिमिलर स्टफ ये जिस तरह का आपको थाईलैंड में मिलता है उसी तरह का सामान है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी प्राइसी लग रहा है। एवरीथिंग लाइक दिस वन 90,000, मतलब ये करीब 2 दिनार की एक है। सम मैग्नेट्स में भी 60,000 का मैग्नेट है, नॉट लुकिंग नाइस। कभी भी इस तरह की जो सोवीनियर शॉप्स होती हैं अटैच्ड किसी भी टूरिस्ट स्पॉट के, तो वहाँ से कभी भी मत लें, वो चीज़ देख लें, और उसको फिर वो आप मेन मार्केट जो है ना, लोकल मार्केट, वहाँ से लें, तो आपको अच्छा मिल जाएगा। और इसके बराबर में देखिए खेत खलियान यहाँ पे, और यहीं से एग्ज़िट है,
बट आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, लुक्स लाइक 35 degrees. Hey everyone, I want to say a huge thank you to all of you for supporting my videos. As a way to give back, I've decided to do a giveaway for an Amazon gift card. All you have to do to enter is like, share, comment, and subscribe to my channel. The giveaway will be open until April 14, 2024, so make sure you get your entries in before then. This is just a small way for me to show my appreciation for all of your support. Whether you're a long-time viewer or brand new to my channel, I'm so grateful for each and every one of you. So, let's make this giveaway a fun and exciting opportunity for one lucky viewer to win a fantastic prize. I'll be announcing the winner on my channel, so make sure you're keeping an eye out for that. And of course, don't forget to keep watching my videos for more content and chances to win in the future. Thank you all again, and good luck to everyone who enters the giveaway.